खाने के लिए पड़े हुए हैं, हम गाना खाने के हैं और परमेश्वर से गाना खाने करने के लिए पड़े हुए। तो यहाँ पर यदि गाना नहीं आता है तो ताली बजा सकते हो आप, और यदि बोल नहीं आते हैं तो एटलीस्ट हाथ लाकर उसके नाम को तो महिमा दे ही सकते हैं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हमारी जिंदगियों को खूबसूरत बना। हालेलुया,
एक ऐसा परिवार, एक ऐसा परिवार जो अनपढ़ है, गांव का है, बोलते कि उनको सही सलीका और सही तरीका ही नहीं मालूम। उस परिवार के अंदर यदि एक सलीके वाला, जानकार और पढ़ा लिखा यदि कोई आ जाए तो फिर उस घर की हालत कैसी होगी? अच्छी होगी। एक गवार के जीवन के अंदर एक शिक्षित, पढ़ा लिखा, आदर्शों वाला, संस्कारों से भरा हुआ, सलीके से चलने वाला यदि आ जाएगा तो उसके आने से घर का पूरा घर आशीष पाता है। हालेलुया। इस प्रकार से यदि मेरी और आपकी जिंदगी के द्वारा उसको इस निर्णय में मौका मिल गया और हमने उसको मौका दे दिया कि आप अपने काम को हमारे जीवन के अंदर प्रकट करें, प्रस्तुत करें, तो लाजमी है कि जब हम उसको अवसर देंगे तो उसके रहने और उसके आने से इस जीवन के अंदर खुशियां और आनंद आ जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए हम सब अपने हृदय को उसको देखें और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। इस समय को देखा नहीं आराधना को करेंगे। सब जानते हैं आत्मा बन रहा था, पवित्र आत्मा बन रहा था, पैंतीस वर्ष के दिन समान आत्मा बन रहा था। हालेलुया। आत्मा पवित्रता we'll be right back.
यीशु के जीवन में आने से शांति और आनंद हमारे अंदर आ जाता है। मैं बहुत लोगों को जब उनके लिए फोन पर दुआ करता हूं और बात होती है, बहुत दुखी मन और बहुत दुखी हृदय से लोग कई बार प्रार्थना करते हैं और करवाते हैं, और उनके अंदर एक दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है कि किस तरीके से उनके जीवन निराशाओं में पड़े हुए हैं, विलाप में हैं, रो रहे हैं, दुखी में हैं, संकट में हैं, उनके पास में कोई मार्ग नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता सिवाय आंसू बहाने के, और उनके पास में और कोई उनकी जिंदगी का लक्ष्य नहीं बच रहा होता। लेकिन वहीं पर जब प्रभु के नाम से प्रार्थना होती है तो परमेश्वर अपने जीवित और जलाली कार्य को करके इस बात को दिखाते हैं कि किस प्रकार के परमेश्वर लोगों के जीवनों के अंदर की शांति प्रदान करते हैं और उनके जीवन के अंदर खुशी आती है, उनके जीवन के अंदर आनंद आता है। हम जीवन के अंदर उसी शांति को और उसी आनंद को लेना चाहते हैं, उस प्रभु की उपस्थिति में उसके घर में आने के पश्चात हम ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं, तो अपने हृदय को खोल करके उसके नाम को धन्यवाद दें और उसको अपने जीवन के अंदर एक मौका दें, अवसर दें कि हमारी जिंदगी के तरह जाए। उसके जीवन में आने से हमारे जीवन खुशियों से भर जाते हैं। प्रभु हमारे से हुआ है कि जब यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, नौजवान बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, घर का परमेश्वर बुजुर्ग हैं, आप सब पर अपनी दया और कृपा को बनाइए। हर एक जीवन जो निराशाओं में है, दुख में गिरा हुआ है, उसके प्लस की कोई रास्ता नहीं दे रहा और उसको लग रहा है कि कुछ शैतान ने चारों तरफ से घेर करके रखा है और कहीं कोई अभी तक उपाय नहीं हुआ, जीवन के अंदर से दुखी दुख है। प्रभु भगवान से दुआ करते हैं कि आज जीवन प्रभु इस वर्ष से जाए, छुए जाए और महिमा से बात मिल सके। हम दुआ करते हैं आज का यह दिन बेशक पेंटिकॉस्ट का दिन है, लेकिन हम कहते हैं कि यह दिन वैसा ही हो जाए ताकि पवित्र आत्मा हम लोगों की जिंदगियों को आज स्पर्श करे। आज पवित्र आत्मा सामर्थ्य अपने वरदान से भर दे। आज पवित्र आत्मा हमसे व्यक्तिगत तौर से बातचीत करे। आज पवित्र आत्मा के गहरे अनुभव को गहरे संसों को अपने जीवन के अंदर ले सके और पवित्र आत्मा की शुभ से आज हमारी जिंदगियां पूरी रीति से खुश हो जाए, आनंदित हो जाए, उनके अंदर को निराशाएं चली जाए, जिंदगी के अंदर शांति आ जाए। प्रभु आप कैसी दया और ऐसी कृपा बनाइए ताकि हमारा जीवन आनंदित हो जाए और प्रभु को महिमा दे। थैंक यू जीसस। हम लोग इसके अंतरे को गाएंगे आनंद मिलता है और शांति मिलती है। थैंक यू जीसस। बोलिए सुन। थैंक यू। धन्यवाद। आनंद मिलता है, शांति मिलती है। हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु को महिमा दें।
देखता है कि यीशु जैसा न तो कोई था न है और न कभी होगा न कभी होगा। हालेलुया। उसका नाम ही एकमात्र ऊंचा नाम है, सच्चा नाम और पवित्र नाम है। उसके अलावा और कोई नाम इस दुनिया में नहीं दिया गया, उसके अलावा और कोई नाम दुनिया में नहीं दिया गया जो उस प्रभु के सामने आकर के खड़ा हो जाए, सिर्फ एक जिसके सामने सब भूमिने देखते हैं और शैतान भागता है और शैतान भागता है। हालेलुया। अभी अपन लोगों ने की जाए जिस नाम से शैतान करे उस नाम की, जिस नाम पे सलाना लिखे उस नाम को सलाना। जिस शैतान को ना किसी चीज से नहीं डरता, कहता है प्रेरितों की किताब की पुस्तक उसके 19वें अध्याय में इसका जिक्र है, कहता है मैं यीशु को जानता हूं तू कौन है, मैं यीशु को जानता हूं तू कौन है, यानी कि जो कुछ भी मेरे अंदर भय है, जो कुछ भी मेरे अंदर भय है जिस नाम के सामने मैं रुक नहीं सकता, वो एक ही नाम है, वो यीशु है। हालेलुया। वो यीशु ही है।
खास तौर पर आज के इस पवित्र दिन के लिए इतने विपरीत मौसम में होने के बावजूद प्रभु इतने लोग आए, ये सब प्रभु आपकी आशीष है कि जिनको चुन करके तू आने देता है वो तेरे समीप आते हैं। बहुत लोग भीग गए हैं प्रभु, आप सबके साथ होइए, कोई भी परेशान ना हो, कोई भी बीमार ना पड़े, सबको सुरक्षित रखना, सबको अच्छा स्वास्थ्य दे। दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि जो मन में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, प्रभु आप उनकी प्रार्थना को ध्यान दीजिए और उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए और उनकी जिंदगी के प्रत्येक दुख को प्रभु उनके अंदर से दूर करिए। उनके अंदर जो शक का आत्मा काम कर रहा है, संदेह का आत्मा काम कर रहा है, डर का आत्मा काम कर रहा है, प्रभु वो आग के नाम से उनके जीवनों से, उनके शरीरों से निकल के बाहर चला जाए, ताकि उनकी जिंदगी के अंदर खुशियां आ सके और उनको इत्मीनान प्राप्त हो सके। हमें मालूम है कर्मिता परमेश्वर बहुत सारे लोग बहुत देर तक प्रभु स्थिर नहीं रह पाते, बहुत सारे लोग बहुत देर तक प्रभु खड़े नहीं रह पाते, यानी कि विश्वास में खड़े नहीं रह पाते, वो डावाडोल होते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर बहुत सारी चीजों का भय है प्रभु, जो दो तरफा चलने की कोशिश करते हैं, गुनगुने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, आप उनको बुद्धि दीजिए वचन के अनुसार, ताकि कर्मिता परमेश्वर वे आशीष पाए और उस तरीके की जिंदगी को ना जिए जो प्रभु को पसंद नहीं है। परमेश्वर को एक सच्ची जिंदगी पसंद है और सच्चा जीवन को चाहता है और उसी सच्चे जीवन के द्वारा वो हम सबको आशीषों से भरे। प्रभु आप यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, दुख में हैं, संकट में हैं, दुष्टात्मा से ग्रस्त हैं, बीमारियों में हैं, कैंसर में हैं, तरह तरह के रोग हैं, वो आपके उनके सारे रोग, उनकी सारी बीमारियां, उनके सारे कष्ट, उनके आंसू, उनकी हर एक चाहे और निराशाएं आपके नाम से, उनके जीवन से निकल के बाहर चले और वो आपके नाम के द्वारा प्रभु उस आशीष को, उस सामर्थ को, उस इत्मीनान को अपने जीवन में रिसीव करें जो उनको कहीं पर भी प्राप्त नहीं, पैसा खर्च करने पर भी प्राप्त नहीं। प्रभु आप संभालना और आशीष, आपकी आशीष भरा हाथ प्रत्येक जिंदगी पर ठहर सके। हमारा विश्वास है कि आप की निगाहें हम सबकी जिंदगी के ऊपर बनी रही और आपने हम लोगों को स्पर्श किया, हम सबको आशीष दी, आपका धन्यवाद। प्रभु जो लोग अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके नाम में, उनके भविष्य को आपके हाथों में सौंप देते हैं और दुआ करते हैं कर्मिता परमेश्वर वो आज से अपने लिए चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु उनके लिए चिंता करेगा, प्रभु उनके लिए मार्ग को प्रशस्त करेगा, प्रभु उनके लिए रास्तों को खोलेगा, प्रभु उनके साथ साथ रह करके उनके लिए भलाई देगा। जिस तरीके से परमेश्वर उस गुलामी के समय में, जब मिस्र की गुलामी में इसराइल कौम थी, उस गुलामी के समय में परमेश्वर किस तरीके से इसराइल कौम के लिए सोचता था, इसराइल को पता भी नहीं चलता था लेकिन परमेश्वर उनके लिए सोचता था, इसराइल को कुछ नहीं मालूम था कि उनका परमेश्वर उनके लिए कितना ज्यादा चिंतित होता है, कितना ज्यादा सोचता है और वो क्या क्या करने जा रहे हैं, इसराइल को नहीं पता। उस दिन प्रार्थना करते थे, दुआएं दिया करते थे, लेकिन परमेश्वर उनके लिए एक बड़ा इंतजार कर रहा था कि उनको मिस्र से बाहर ले जाए, उस गुलामी से छुटकारा मिले। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि आज भी परमेश्वर मेरे और आपके लिए लगातार सोचता है, मेरे और आपके लिए लगातार ध्यान देता है और मेरे और आपके कुछ बड़ा करने जा रहा है। हालेलुया, कुछ ऐसा बड़ा करने जा रहा है जिसको पा करके हम परमेश्वर के साथ वफादार हो सकते हैं, हमारा विश्वास और दुगना हो सकता है और हमारी आस्था और उस पर बढ़ सकती है और हमारे अंदर से वो खुशी के अश्र भी बहेंगे जब परमेश्वर हमारे लिए उस बड़े काम को निम्न समय तक प्रकट करें।
धन्यवाद करके कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं और बरकत हैं। आज के वक्त को प्रभु आपके चरणों में सौंपते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए ताकि हर चीज के द्वारा महिमा से प्राप्त हो। अपने वचन से बातें करिए ताकि आपका वचन आज हमसे पूरी रीति से प्रभु बातचीत कर सके और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी तक हमारी समझ में नहीं है या हम समझते नहीं है उसको प्रभु जान सके। सारा दर्द सारी महिमा सारा नाम आपको देते हैं, प्रार्थना को आपके नाम में मांग लेते हैं, जैसे सुनिए और आमीन। सब एक साथ बोले आमीन 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 आमीन।